વરસની જેમ આ વર્ષે પણ ઇમામે હુસેન પોતાના કુટુંબીજનો સહિત પોતાના વફાદાર સાથીઓની મહાન નિશાદત અકીદતના ફૂલો પેશ કરવાના ભાગરૂપે સમગ્ર ભારતની સાથે દાહોદ શહેર અને જિલ્લાના મુસ્લિમ બિરાદરોએ સરઘસની રાત્રે અને સાંજે રોશનીથી ઝળહળતા રંગબેરંગી અને કલાત્મક તાજિયાઓના જુલુસ કાઢી એકતા, એખાલસ અને ભાઈચારાના માહોલમાં મોહરમના પવિત્ર પર્વની શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવણી કરી હતી। मोहर्रम है हजरत इमाम हुसैन अलजुला समानने अने करबलाना शहीदोनी स्मृतिमां शोकनो तहेवार छे। आ दिवसे दरेक मुस्लिम करबलानी यादमां उपवास राख्यो छे। करबलानी महान दुखद घटना आजथी लगभग 1400 वर्ष पहला बनी हती। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाहना नवासा एटले के दोहित्र हजरत इमाम हुसैन अलजी सलामे पोताना 72 साथीओ साथे शाद स्वीकारी लीधी। गत 1400 वर्षथी आज सुधी करबलानी घटनानो महत्व छे, कारण के ए छे के मात्र इस्लामी आलममां ज नहीं परंतु कोईपण अकीदाथी संबंधित के व्यक्ति जे अत्याचारोनी विरुद्ध अने सच्चाईनी समर्थक छे ते हजरत हुसैन अने तेमना साथीओनी कुर्बानीओने मानवीय आदर अने सत्यनुं चिन्ह समजे छे। आज 10 मोहर्रम अमारी जे ताजियानी अहींयानी जे कमिटी छे नाना छोकराओनी कमिटी छे पण आखा दाहोदमां आ 5 नंबर ताजिया पर बधानी आस्था जोड़ायेली छे। आ ताजिया जोड़े अने आ लोको बहुत मेहनतथी अने एक महीना पहलाथी बनावे छे अने आजे अमारो 10मो आशुरानो दिवस छे। आखा दाहोदनी अंदर मुस्लिम समाज एने धामधूमथी मनावे छे अने अमारी हकीकत छे हुसैन अलै सलामने ए पण पेश करीए छे अने शांतिपूर्वक अमे दाहोदमां ताजियानो जुलूस पण निकाळीए छे। तो सहितना समग्र जिल्लामां रंगबेरंगी बेनमून अने कलात्मक ताजियाओ काढवामां આવ્યા હતા અને નક્કી કરેલા માર્ગો પર ફર્યા હતા। ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં હિન્દુ મુસ્લિમમાં કલાત્મક અને આકર્ષક તાજિયાઓને નિહાળવા ઉમટી પડ્યા હતા। આ સમયે શાંતિ અને એકહાલસ જળવાઈ રહે તે હેતુસર દાહોદના એસપી હિતેશ જોઈસનના માર્ગદર્શન હેઠળ જુસ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો। મોટા 29 અને નાના 15 તાજિયાના જે જુલુસ નીકળવાના છે તેમાં પોલીસ દ્વારા એક ડીવાયએસપી, 5 પીઆઈ, 15 પીએસઆઈ, 81 હેડ કોન્સ્ટેબલ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, 264 होमगार्ड, 278 जीआरडी और 2 प्लाटून एसआरबी कंपनी मणसों बंदोबस्त राखा है। हाल में बंदोबस्त चालू है। शांतिपूर्ण रीते ताजिया जुलूस निकलना है। मोहर्रम करबलाना शहीदोनी स्मृतिमां शोकनो तहेवार छे। आ दिवसे दरेक मुस्लिम करबलानी यादमां उपवास राखे छे। तेओ ठंडो पीणो शरबत दूधनी वानगी बनावीने दाननो कार्य करी पुण्य करे छे। તેમજ હજરત ઇમામ હુસૈનની યાદમાં તાજિયા બનાવીને ભવ્ય રીતે તેને શણગારીને જુલુસ કાઢવામાં આવ્યો હતો। ये मोहर्रम का त्यौहार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बदले मनाया जाता है। आज से 1450 साल पहले हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हक और बातिल की लड़ाई में, सत्य और अहिंसा की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन हिंसा को करीब आने नहीं दिया। हजरत इमाम हुसैन ने दुनिया को साबित कर दिया कि हक हक है, बातिल बातिल है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत कबूल नहीं की। अगर यजीद को हाथ दे और उसकी बैत कबूल कर ली होती तो इनको शहीद होना नहीं पड़ता। कल्पेश डामोर साथ NS गुजरात न्यूज़ दाहोद।